हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इनकम टैक्स ई वेरिफिकेशन कैसे करना है। सबसे पहले हम इनकम टैक्स भरेंगे, फिर हमें फॉर्म 16 मिलेगा, उसके बाद हम इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे और फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हमें ई वेरिफिकेशन करना है। इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, जैसे आप सीए से भी कर सकते हो, क्लियर टैक्स करके भी एक वेबसाइट है, और ये है गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल साइट, इनकम टैक्स ई फिलिंग। तो इससे यूज़र आईडी आपका पैन कार्ड रहेगा, पासवर्ड और एक कैप्चा आपको देना है, अगर आपका लॉगिन आईडी हो तो। नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो भर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी मैंने मेरा पैन कार्ड यूज़ करके लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे ही ये दिखेगा, फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू रिटर्न। आपको व्यू इन रिटर्न पे क्लिक करके यहाँ आपका पैन नंबर दिखेगा, और यहाँ से आप सिलेक्ट करो इनकम टैक्स रिटर्न। आप सबमिट करने के बाद ये आपने अभी तक जितने सारे इनकम टैक्स रिटर्न किए हैं वो सब आपको दिखेंगे। ये ITR प्रोसेस्ड, मतलब ये कंप्लीट हुआ है। अभी मैंने इस ईयर का तो मैंने भरा है, लेकिन पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन इधर आ रहा है। तो यहाँ ये ग्रीन कलर में क्लिक हेयर टू व्यू योर रिटर्न पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ तो मेरे दो बता रहे, तो मैं इस साल का पहले करूँगा, ये 2018 के लिए ऑलरेडी मैंने रिटर्न किया है। और ये ई वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करके यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं ई वेरिफिकेशन करने के लिए। सबसे पहले तो अगर आपके पास EVC है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते। सेकेंड ऑप्शन है, आई डू नॉट हैव EVC एंड आई वुड लाइक टू जनरेट EVC टू ई वेरीफाई। और थर्ड ऑप्शन है, आई वुड लाइक टू यूज आधार नंबर। सो आपके पास अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक है, आपका मोबाइल आधार के साथ लिंक है, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप आपके बैंक अकाउंट के थ्रू ई वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू बैंक अकाउंट नंबर। आप जिससे आपको इजी रहे उससे आप कर सकते हो। मेरे पास मेरा आधार नंबर लिंक्ड है, तो मैं मेरे आधार से लिंक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद और दो ऑप्शंस मिलेंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी OTP है देन यूज़ दैट OTP, अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन है, आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP नाउ। ये मैंने मेरा आधार OTP जनरेट किया है और ये मैंने यहाँ OTP नंबर डाला है। आई एग्री पे क्लिक करके आप सबमिट कर दो। यस, और रिटर्न सक्सेसफुली ई वेरीफाइड, ये आपको मैसेज आएगा और ये आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। और ये डैशबोर्ड में जाके वापस आपका स्टेटस आप चेक करो, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट, यस, ये सक्सेसफुली ई वेरीफाइड आ गया। इट मीन्स आपने ये वेरीफाइड, ई वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। गाइज, ई वेरिफिकेशन मीन्स एक्चुअली क्या है? पहले हम क्या करते थे, इनकम टैक्स रिटर्न करने के बाद इसका जैसे ये है, अभी इसका ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का हम प्रिंट आउट लेके, ये अब डाउनलोड हुआ, ये प्रिंट आउट लेके हम फिर ये बेंगलोर ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस में भेजते थे। उसके बाद हमारा रिटर्न होता था, उसमें काफ़ी टाइम जाता था। ये सब प्रोसेस अभी बंद हो गया, तो आप डायरेक्टली ई वेरिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ से आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, कोई भी पेपर नहीं भेजना है, तो ये सबसे आसान तरीका है और हर कोई कर सकता है। मैं कोई CA नहीं हूँ, बट जो जो प्रॉब्लम्स या जो जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ, घर से हम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं आगे जाके इनकम टैक्स फील कैसे करना है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे करना है, उसका भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।